हेलो एवरीवन, दिस इज निकी एंड वेलकम टू माय चैनल निकीज किचन। मैं आज आप लोगों के साथ एक डिश शेयर करना चाहूंगी जो है चाट। ये उड़ीसा के बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है, स्पेशली उड़ीसा के बरहमपुर एरिया में बहुत फेमस है। तो मैं आज आप इसको बरहमपुर स्टाइल में बना के दिखाऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए व्हाइट पीनट, जिसको मैंने पानी में 6 घंटा भिगो के इसको प्रेशर कुक कर दिया है। 2 बॉइल्ड पोटैटो, सम पापड़ीज, कॉर्नफ्लेक्स, सेव, कटा हुआ टमाटो, स्वीट कॉर्न, कटा हुआ धनिया पत्ता, बीटरूट, ग्रेटेड बीटरूट, कटा हुआ ऑनियन, कटा हुआ ग्रीन चिली, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, टर्मरिक पाउडर 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, हिंग, ग्रेटेड कोकोनट, ग्रेटेड कैरेट, क्यूमिन पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, चाट मसाला पाउडर, स्वीट इमली पेस्ट, क्यूमिन मिंट पेस्ट। इसको मैंने ऑनियन, जिंजर और गार्लिक का एक पेस्ट बना दिया है, बस इतना। अभी हम चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अभी मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए डाल दिया है और ऑयल भी डाल दिया है। अभी हमारा ऑयल गर्म हो गया है, इसके बाद हम इसमें थोड़ा हींग डालेंगे, 1 पिंच ऑफ हींग। फिर उसमें हमने जो जिंजर गार्लिक और ऑनियन का पेस्ट बनाया था इसको मैं डालूंगी, यह है 2 टेबल स्पून। इसको अच्छे से फ्राई कर ले। इसको फ्राई कर लिया। ये देखिए ऑनियन अच्छे से हो गया है, अच्छे से कट चुका है। फिर उसके बाद हम इसमें कटा हुआ टमाटर डालेंगे, इसको फिर अच्छे से मिक्स करके फ्राई कीजिए। ये देखिए हमारा टमाटर बहुत अच्छे से पक गया है। फिर इसमें हम हमारा ड्राई पाउडर सब डालेंगे। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड गरम मसाला पाउडर सबको ऐड करके अच्छे से मिक्स कीजिए और इसको 1 मिनट तक ऐसे फ्राई कीजिए। अभी 1 मिनट हो गया है, हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। फिर उसके बाद हम बॉईल किए हुए आलू और पी को डालते हैं। यहाँ मैं आलू को थोड़ा स्मैश करके डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। थोड़ा पानी वाटर ऐड कर दे। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके इसको 2 मिनट तक ऐसे बनाएं। इसको अच्छे से मैश कर ले। मैं यहाँ पे थोड़ा ऑरेंज कलर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते नहीं डाल सकते, ये अच्छा कलर आएगा करी में, इसलिए मैं थोड़ा ऐड कर रही हूँ। ये सब आलू को ऐसे मिक्स कर ले। अभी हमारा 2 मिनट हो गया है। ये देखिए हमारा मटर आलू का करी एकदम रेडी है, एकदम पेस्ट जैसा है। इसको ऐसे ही बनाना है। फिर इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। ये देखिए मैंने इसको ऐसे प्लेट में निकाल दिया है। फिर उसके बाद हम इसमें स्वीट इमली का जो पेस्ट है उसको डालेंगे, 2 टेबल स्पून डालिए। फिर जो मिंट और कोरिएंडर का मैंने पेस्ट बनाया था उसको भी 2 टेबल स्पून डाल दीजिए। टू टेबल स्पून स्वीट कर्ड डाल दीजिए। टमाटो केचप 1 टेबल स्पून। फिर कटा हुआ टमाटो डाल दे। फिर
कटा हुआ ऑनियन, कटा हुआ ग्रीन चिली, उसके बाद कॉर्नफ्लेक्स, उसके बाद पापड़ी, उसके बाद सेव, उसके बाद ग्रेटेड कैरेट, उसके बाद ग्रेटेड बीटरूट, ग्रेटेड कोकोनट, उसके बाद क्यूमिन पाउडर, पिंच ऑफ क्यूमिन पाउडर, पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट, पिंच ऑफ चाट मसाला पाउडर, कटा हुआ धनिया पत्ता, इसके ऊपर थोड़ा स्वीट कर्ड को डाल दे, फिर उसके बाद हमने जो मिंट कोरिएंडर का पेस्ट बनाया था इसको भी ऊपर डाल दे। हे गाइस, अभी हमारा चाट रेडी है। ये देखिए कितना कलरफुल और यम्मी दिख रहा है, बहुत ही चटपटा है। आप इसे अपने घर में बनाए और मुझे कमेंट में लिखिए ये कैसा कैसा लग रहा है। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ढेर सारी लाइक्स और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप कुकिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।